त्योहार को मनाने के पीछे कारण है। बताओ दीपावली क्यों मनाया जाता है? बताओ क्यों? राम जी वनवास से आए यही आप लोग जानते हैं, जबकि ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने दीपावली का निबंध भी लिखा है हिंदी में, उसमें यही लिखना पड़ता है दीपावली क्यों मनाई जाती है। उस दिन राम जी रावण को मार के आए, इस दिन दीपावली मनाई जाती है। ये निबंध हम लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखा है। निबंध आता है ना हिंदी में, दीपावली पे निबंध लिखो, होली पे निबंध लिखो, हमने भी लिखा है। मैं ये वर्णन नहीं है कि भगवान राम दीपावली के दिन वापिस आए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, सबको यही पता है राम जी वनवास से वापिस आए थे। आज सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। भगवान दीपावली के दिन वापिस नहीं आए। अब पूछो क्यों? मैं उदाहरण प्रमाण के साथ, पंडित ज्वाला प्रसाद जी राम जी के वनवास जाने हुए हैं विद्वान, उन्होंने सब बातें लिखी। अब देखो दीपावली के दिन बात सेट नहीं हो रही है, कैसे? सुनना, राम जी ने रावण को मारा कब? आपके हिसाब से कब मारा? दशहरा को। आप दशहरा को नहीं मारा? अब आप कहेंगे महाराज जी भी सही क्या है? सही बताता हूं। देखिए बात ऐसी है कि रावण ना तो दशहरा को मरा, राम जी ना तो दीपावली को आए, पर मान्यता है रावण दशहरा को मरा और राम जी दीपावली को आए। इसके बीच में कितने दिन रहते हैं? जबकि शास्त्र रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने जिस दिन रावण को मारा उसी दिन राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे, ये लिखा है। आपने भी सुना होगा, नहीं किया था? लक्ष्मण जी को भेजा था, जाओ राजा इनको बना के आओ, समय कम है। सीता जी आई, परीक्षा हुई, अग्नि से निकाला और पुष्पक विमान अब विमान पर बैठ